हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा एंड आई एम पुष्पांजलि चालिहा। सो हम आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है कि ये लेसन नंबर 16 हु विल डू दिस वर्क। ये वाले लेसन में हमने पढ़ा कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही करते हैं, तो अगर वो काम नहीं होती इस दुनिया में, वो काम वे लोग नहीं करना चाहें तो हम लोगों का क्या होगा, तो हम लोगों को गंदगी में रहनी पड़ेगी। और ये काम किस लिए हर कोई नहीं करना चाहता है, और जबकि यही काम सबसे, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम है कि साफ सफाई में हमें रहने को मिलती है, और नहीं तो हमें साफ सफाई से रहने को नहीं मिल पाती। आज हम लोग 150 पेज नंबर 150 के डिस्कशन पार्ट से करेंगे। इस लेसन में ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए नहीं दी गई है, बस समझना है और डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल वर्क और जॉब डू यू वांट, डू पीपल नॉट वांट टू डू, व्हाई? किस तरह के काम जो है लोग करना नहीं चाहते और व्हाई? पीपल डू नॉट वांट टू डू दोस वर्क्स व्हिच आर नॉट चैलेंजिंग एंड व्हिच डू नॉट रिक्वायर मच ऑफ मेंटल एबिलिटी। लोगों को वह काम अच्छी नहीं लगती। साफ सफाई के काम एक ऐसे काम होती है जिसमें ना ही वो कोई चैलेंज है, ना ही कोई मेंटल एबिलिटी लगती है, लेकिन ये काम लोगों को थोड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू? तो कौन करता है ये वाले काम, और वे लोग क्यों करते हैं जब दूसरे लोगों को करने का मन नहीं करता ये काम? तो मजबूरी तथा गरीबी के कारण इस तरह के काम अपनी जीविका उपार्जन के लिए करते हैं। Poor and uneducated people do this kind of work. The poverty does not allow them to study beyond certain grades. Lack of education makes them unfit for doing most of the jobs. That is why these people have to do manual job. Manual job कहा गया है, that means हाथ से करने वाला काम। और इसके अलावा अभी आप लोग आंसर और खोज सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। इमेजिन what would happen if nobody did this work, if nobody cleared the garbage lying outside our school or our house for 1 week, then what would happen? अगर कोई भी इस काम को ना करे तो क्या होगा? अगर कोई भी साफ सफाई ना करे हमारे स्कूल के बाहर के कूड़ों को। ये क्वेश्चन आपको खुद से सोच के लिखना है। think of some ways, machines or other things so that people would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. Okay, इस पिक्चर आप क्या सोचते हैं, अगर वे लोग हमारे यहाँ पे काम ना करें तो चारों तरफ गंदगी तथा बदबू फैलने लगेगी तथा वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और कचरा साफ करने के लिए मशीन या रोबोट का उपयोग किया जा सकता है। हम लोग ये दोनों बातों के ऊपर सोच सकते हैं। If nobody would do this work, then it will create problems for us. The garbage will get collected outside our school or house. It will start giving bad smell due to process of rotting. सड़ने लगेगी सारे कूड़े. It could create epidemics also. The place full of garbage will look very ugly. Some other ways of cleaning so that people would not have to do this work are crane or dalao. Cranes can be used to lift huge amount of garbage. बहुत ज्यादा अमाउंट में गार्बेज उठाने का काम क्रेन्स कर सकते हैं। बिग डस्टबिन इन विच गार्बेज इज कलेक्टेड इज कॉल्ड दलाव। द गार्बेज ट्रक लिफ्ट्स द होल दलाव एंड टेक्स इट टू द गार्बेज डंपिंग साइट। और गार्बेज डंपिंग साइट में जाके वो ट्रक खुद ही जाके डाल देगी। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, आजकल तो होने भी लगी है ऐसा। दीज पिक्चर्स आर ऑल्सो मेड बाय चिल्ड्रेन। आप लोग भी ऐसा पिक्चर्स बनाइए, मुझे भी सेंड कीजिए और मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह का कोई डस्टबिन है जिसमें कि कोई वैक्यूम लगा हुआ है पाइप, और ये खुद ही सक करके डस्टबिन के अंदर डालेगा। बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हैं बच्चों ने कि बिना लोगों के सहायता से ही काम बन जाए। डू यू थिंक दैट एनीवन हैज एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? यस, मेनी पीपल हैव ट्राइड, पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, बट इट इज नॉट इजी टू चेंज दिस। One such person was Mahatma Gandhi. Gandhi ji had a friend, Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai's son Narayan also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is from Narayan's book. अब उनमें से एक थे जो कि साफ सफाई का काम करते थे गांधी जी के साथ। नारायण देव भाई के जो बेटा है वो, तो उनका एक स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। रिमेम्बरिंग दोज डेज व्हेन नारायण बाबला वाज अबाउट 11 years old, he was staying in Gandhiji's साबरमती आश्रम। जब बाबला नारायण 11 years old था, आप लोगों के जितना ही, तब वो साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ रहते थे। Like everyone else in ashram, he had to do various kind of work. One of his job was to teach the guest how to clean the toilets. उसमें से एक उनका काम ये था कि वहाँ पे आए हुए मेहमानों को सिखाना कि टॉयलेट कैसे साफ करना है। महात्मा गांधी ने टॉयलेट की सफाई के ऊपर बहुत ध्यान रखी थी। टॉयलेट को साफ सफाई से रखने के लिए बहुत समझाया था लोगों को। In those days, the toilets were not what we know now today. आजकल के दिनों के टॉयलेट जैसा पहले नहीं हुआ करता था। There used to be holes under which basket were kept. People sat on the holes. Later, the basket had to be filled, lifted by hand to be emptied. Okay, basket डाला हुआ होता था एक होल के अंदर, और उस बास्केट को जब फुल हो जाती थी, या बकेट कह सकते हैं, फुल होने के बाद उसे खाली करना पड़ता। इट वाज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क। और इस काम को पहले एक कम्युनिटी के लोग ही करते थे। बट इन गांधी जीज आश्रम, एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर। तो लेकिन गांधी जी के आश्रम में हर किसी को ये काम करना पड़ता था। नो वन वाज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट। मेहमानों को से भी ये बास्केट साफ करवाई जाती थी। नारायण भाई रिमेम्बर्स हाउ सम पीपल यूज्ड टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। हाँ, नारायण भाई को अभी भी याद है कि कुछ लोग ऐसे थे जो इस काम से भागते थे या करना नहीं चाहते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। सम इयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। कोई तो इस काम से भागकर आश्रम ही नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें टॉयलेट साफ करनी पड़ती। तो कुछ सालों बाद जब गांधी जी वर्धा महाराष्ट्र में दे महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। तो गांव के टॉयलेट्स को महादेव भाई साफ करने लगे। डिड दिस फॉर सम मंथ्स। कुछ महीनों तक महादेव भाई और गांधी जी के लोगों ने ही साफ किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सॉ महादेव भाई। ही पॉइंटेड to him and said, there is a lot of dirt over there. एक आदमी को टॉयलेट यूज करके बाहर आते वक्त जब देख लिया तो महादेव भाई ने कहा कि अरे उस टॉयलेट में बहुत गंदगी है, go and clean that, जाओ साफ करो। When Babla saw this, he was very angry. बाबला ने जब देखा तो बाबला बहुत गुस्सा हो गया। He thought the villagers felt that this was not their work. तो उसे ऐसा लगने लगा कि गाँव वासियों को ऐसा लग रहा है कि ये काम उनका नहीं है बल्कि महादेव भाई का ही है। This was for Gandhi ji and his team to do. He asked Gandhi ji why this was so. Gandhi ji replied, "Untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this." तब गांधी जी ने बोला कि untouchability जो है वो एक बहुत ही serious matter है। Untouchability यानी कि छुआछूत, हाँ, जात पात का कुछ जो matter है उसे solve करना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए time लगेगा। नारायण knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. नारायण को इतना तो पता था कि लोग जो भी लोग इस काम को करते हैं टॉयलेट साफ करने का, उसे उन्हें छुआ नहीं जाता है। Asked, what is the use in the village? People do not change their thinking. They have become used to someone else doing this work for them. अब नारायण को लगता है कि अरे लोगों का क्या काम, अगर उनकी गंदा की कोई जगह को कोई दूसरा साफ कर रहा है। गांधी जी रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट? दे आल्सो लर्न टू लेसन। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग ए न्यू स्किल इवन इफ इट इज चैलेंजिंग जॉब। तो गांधी जी को तो यही जॉब सबसे चैलेंजिंग लगा और कहा कि जो लोग इस सफाई का काम करते हैं वे भी तो कुछ सीख ले ही रहे हैं, उन्हें भी कुछ सीखने को मिल ही रहा है। लिटिल नारायण वाज आल्सो नॉट कन्विंस्ड। लेकिन लिटिल नारायण जो है वो इतना कन्विंस्ड उस आंसर से नहीं हुए। अगेन आर्ग्यू दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड आल्सो लर्न लेसन्स। लेकिन जो अपना जगह खुद गंदा कर रहे हैं और साफ नहीं कर रहे हैं, दूसरों से सफाई करा रहे हैं, उन्हें भी तो कोई लेसन सिखाना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यूड टू आर्ग्यू अबाउट दिस बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलो द पाथ शोन बाय गांधी जी। उस बात पर गांधी जी और नारायण के बीच में बहुत कहा सुनी हुई, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो गांधी जी कहे अनुसार ही काम करता था। उन्हें नॉट टेल व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप क्या सोचते हैं गांधी जी और उनकी टीम ये काम क्यों करती थी, क्लीनिंग का? गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग टू चेंज द व्यू ऑफ सम पीपल इन द सोसाइटी हु कंसिडर्ड द जॉब ऑफ क्लीनिंग एज अ लो स्टेटस जॉब। गांधी जी और उनकी जो टीम है वो इस काम को इसलिए करती थी क्योंकि वे कुछ सबक सिखाना चाहते थे उन लोगों को जो सोचते थे कि ये काम गंदा है। Gandhiji wanted to eradicate untouchability from the society. He wanted to convey people that all works are equal and no work is big or small. Gandhiji जो है untouchability ये बात उन्हें पसंद नहीं, छुआछूत के भाव को बंद करना चाहते थे। लोगों को समझाना चाहते थे कि अपनी गंदी की हुई जगह को खुद ही साफ भी करना चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? The man who was returning from the toilet behaved very rudely with Mahadev Bhai. He ordered him to clean the dirt. जो टॉयलेट यूज करके लोग बाहर आते थे तो महादेव भाई से कहते थे कि टॉयलेट साफ करके आओ। In his opinion, cleaning being a low status job was meant for only some people in the society and now not for everyone. He disrespected these people and considered them as untouchables. और वे वही लोग जो है सोचते थे कि साफ ये टॉयलेट सफाई करने का काम जो है वो कुछ लोगों का ही है जो कि अनटचेबल हैं, जिनको छूना भी नहीं चाहिए। वे उन लोगों को रेस्पेक्ट भी नहीं करते थे। डू यू नो सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स? फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास। जिस तरह से गांधी जी उस जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे, इस तरह से आपके घर के आसपास में कोई भी आपके एरिया में है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके पास हम सब लोग जाते हैं सॉल्व करने के लिए कहते हैं, तो फाइंड आउट कीजिए और लिखिए। गेस्ट एट गांधी जीज आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो। इफ यू वेर ऑफ दीज गेस्ट व्हाट वुड यू डू? गेस्ट को भी, मेहमानों को भी टॉयलेट साफ करनी पड़ती थी। अगर आप ऐसे गेस्ट होते हैं उनके वहां पे तो आप क्या करते? आप जाते ही नहीं आश्रम में या फिर उस काम को भी कर लेते। वी नो दैट एवरी वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी में रहना है तो हर काम ही इम्पोर्टेंट है। ए सिंपल जॉब डज नॉट मीन दैट इट इज यूजलेस। एवरी पर्सन हैज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पीपल शुड लर्न टू पे रेस्पेक्ट टू अदर्स नो मैटर विच काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। मेरे ख्याल से हमें सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कैसा काम करते हैं ये हमें नहीं सोचनी चाहिए। अब आप बताइए, आपको अगर गांधी जी के आश्रम में जाकर टॉयलेट सफाई करनी होती तो क्या आप लोग जाते? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर हाउस? वेयर इज द टॉयलेट? आपके घर में टॉयलेट अरेंजमेंट कैसा है, टॉयलेट कैसा है? इनसाइड द हाउस और आउटसाइड? हु क्लीन्स द टॉयलेट? आजकल तो इनसाइड द हाउस ही टॉयलेट रहते हैं और हम सभी लोग टॉयलेट को खुद भी साफ कर सकते हैं। पहले जैसा टॉयलेट नहीं रहा, अभी तो सेप्टिक टैंक रहती है और हम लोग खुद भी साफ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के घर में कैसा टॉयलेट है प्लीज आप लोग इसको मुझे भी बता। डिड द मैन हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई? व्हाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? जो टॉयलेट से निकला था आदमी वो कैसा बिहेव करता है महादेव भाई के साथ? महादेव भाई के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। उसे उन्होंने महादेव भाई को, उस आदमी ने महादेव भाई को क्या किया था? ऑर्डर की थी कि टॉयलेट साफ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स? राइट, जनरली पीपल कैसा बिहेव करते हैं जो टॉयलेट और ड्रेन्स को की सफाई करते हैं? अभी भी नाउ भी लोग उन्हें अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, अपने घर के अंदर आने नहीं देते हैं, बाहर ही से फिर वापस भेज देते हैं। मैंने ऐसा देखा है। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा है तो प्लीज आप लोग कमेंट में लिखिए। बट वी थिंक दैट एवरी वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, इज़न्ट इट? हमको लगता है कि हर काम ही सोसाइटी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मैनी ईयर्स अगो। हैव थिंग्स चेंज्ड नाउ? आई डोंट थिंक सो। अभी भी चेंजेस इतने नहीं आए हैं। चाइल्डहुड स्टोरी, अब बचपन की एक स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years old, 100 साल पुराने। 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays. 7 साल का एक बच्चा भीम वो गोरेगांव गया था महाराष्ट्र में अपने फादर के साथ. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. एक भैंस के बफेलो के यानी कि भैंस के बाल काट रहा था एक नाई. Thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, "If I cut your hair, both my razor and I will get dirty." Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair, wondered little Bhim. Little Bhim को तब उस नाई ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा बाल काटता हूँ तो मेरा रेजर भी गंदा हो जाएगा और मैं भी गंदा हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता. तो भीम ने कहा कि क्या जानवर के बाल काटने से गंदगी नहीं होती है और लोगों के बाल काटने से होती है? Later, this little Bhim was known as भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर. भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया. तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था. He became very famous across the world. बाबा साहेब fought for justice for people like him. तो बाबा साहेब ने बाद में अपने जैसे लोगों के लिए बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of बाबा साहेब. बाबा साहेब के लीडरशिप में ही constitution बनी. A conversation in school, the reality. बातचीत. हेतल. I am Hetal and this is Meena. We both study in class 3. हम दोनों ही class 3 में पढ़ते हैं. What all you do in school, Meena? We clean the ground. Meena ने कहा मैं सफाई करती हूँ ground की. Do all children clean? No, not all. नहीं, सभी नहीं करते हैं. Meena, we also have to clean the toilets. We do it on different days. I clean on Monday, she does on Tuesday and she on Wednesday. All the children from our community. कहते हैं कि हम लोग अलग-अलग दिन में अलग-अलग से टॉयलेट साफ करते हैं. हेतल, we have to carry 20 buckets of water for this. We have to sweep and wash. तो वे लोग 20 बकेट पानी भी लेके जाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, धोते भी हैं. Why only you? Why not all the children? लेकिन हर कोई, सारे बच्चे क्यों नहीं करते, सिर्फ तुम ही क्यों करती हो? हेतल, only we have to. If we don't, we get beaten. हमें ही करना पड़ता है, अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमें पिटाई पड़ती है. Interview from the documentary film India Untouched by Stalin K. तो ऐसा भी untouchability हमारे देश में अभी भी पाई जाती है. Now tell, who does the cleaning in your school? What all has to be cleaned? कौन साफ सफाई का काम करते हैं आपके स्कूल में? Yes, there are sweepers. हमारे स्कूल में sweepers होते हैं, वही करते हैं, बच्चों को तो नहीं करना पड़ता है. Do all children like you help in this? No, not at all. If all do not help, why not? तो क्यों नहीं करते हैं? These questions are some which you have to search the answer by yourself. ये कुछ ऐसे questions हैं जो कि आप खुद आपके एरिया में कैसी होती है आपको सर्च करना है. So go through it and try कीजिए कि आप आंसर को सर्च कर सके. Do all children do all kinds of work? Do they sometimes have to miss class to do this work? Do the girls and boys do the same kinds of work? लेकिन आजकल तो बच्चों को जाकर स्कूल में काम नहीं करनी पड़ती है. I don't think so कि they do all these jobs in school. Discuss. Do people look at different kinds of work in the same way? If not, why is this so? Why is it important to bring change? तो किस लिए हर काम को एक समान नहीं मानते हैं? It's important to bring change because of several reasons. Every work is important for the society. A simple job does not mean that it is useless. Every person has self-respect and people should learn to pay respect to others, no matter which. Next question. Gandhiji's favorite song bhajan is given here. This bhajan is in Gujarati. Try to understand the meaning of these lines with the help of your elders. Think about these lines. Vaishnav jan to tene kahiye je peed padai jaan re par dukhe apaman saheje man abhiman na aan re. ये गांधी जी का फेवरेट है बहुत ही ये भजन और ये गुजराती में लिखा हुआ है. आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए. इस तरह का मीनिंग आता है कि An idle person is one who understands the pain of others, वही आइडियल माना जाता है जो कि दूसरों के दुख दर्द को समझता हो. एन आइडियल पर्सन इज विलिंग टू बियर इंसल्ट टू रिमूव सॉरो फ्रॉम अदर्स पर्सन्स लाइफ. दूसरे की लाइफ से दुख दर्द को दूर करना ही एक आइडियल पर्सन का काम होता है. While doing all this, an ideal person should not have an iota of ego in his mind. और इस काम को करते हुए किसी भी उस आदमी को ईगो वगैरह नहीं होना चाहिए कि ये तो ऐसा है, इसके बारे में हमें क्या सोचना है, इस तरह का कोई बात नहीं आनी चाहिए. What we have learned. अब इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है? Gandhi ji used to say that every person should do every kind of work. What do you feel about this? If everyone followed this, what are the things that would change? What are some changes that will happen in your own house? अगर हर काम हर कोई करता तो कैसा changes आता? I think Gandhi ji was right that every person should do every kind of work. Gandhi ji सही थे कि हर किसी को हर तरह का काम करना चाहिए. By doing a work, we can understand the importance of that work and can also understand all the effort required for that work. उस काम को करके हम समझ सकते हैं कि कैसे कितना important है वो काम. If everyone followed this, then people will start showing more respect to others. We will understand that everyone is important for the society. In my house, I think everyone will start gaining the same amount of self-respect. और सभी को self-respect मिल जाता. So आप लोग अपने एरिया के बारे में भी जानिए, क्या उसमें untouchability अभी तक भी पाई जाती है या खुद की सफाई खुद करते हैं. इस लेसन में इतना ही. आप इस लेसन को पढ़िए और ऑब्जर्व कीजिए अपने आस पड़ोस को, अपने नेबरहुड को. एंड मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू.